दोस्तों, ये घर बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा, बट उससे पहले चलिए देख लेते हैं कि घर में प्रत्येक रूम का साइज क्या है। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज की वीडियो में हम आपसे 30 फीट बाई 32 फीट का एक बहुत ही खूबसूरत होम प्लान शेयर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये हमारे प्लॉट का साइज है। इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 30 फीट है और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक 32 फीट यानी कि 32 फीट है। और ये घर का फ्रंट है। यहीं से आप घर के अंदर प्रवेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको एक सबसे पहले बरामदा मिल जाएगा। यदि हम बरामदे के साइज़ की बात करें तो 5 फीट 10 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं इसकी जो टोटल विड्थ यानी कि चौड़ाई है वो 15 फीट 9 इंच है, यानी कि 15 फीट 9 इंच यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और इसी बरामदे से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि घर का गेस्ट रूम है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो 12 फीट यानी कि 12 फीट यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। और यदि हम इसके विड्थ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो टोटल चौड़ाई है वो 13 फीट यानी कि 13 फीट है। अब चलिए इसका हम वॉल बना देते हैं। नेक्स्ट गेस्ट रूम के सामने आप देख सकते हैं कि ये पूरा ओपन एरिया दिया गया है। इसको आप घर के अंदर का बरामदा बोल सकते हैं। और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो चलिए देखते हैं कि इसका साइज़ कितना है। तो इसकी टोटल लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 फीट 7 इंच है। और यदि हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस की बात करें तो आप देख सकते हैं 14 फीट 11 इंच है। नेक्स्ट यदि हम यहाँ से आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि ये घर का आंगन है और इस तरफ घर का किचन दिया गया है और इस तरफ घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका वाल बना लेते हैं। ये हमारे घर की स्टेयर की वाल हो गई। ये हमारा स्टेयर रूम है। स्टेयर रूम बनकर आप देख सकते हैं कि तैयार हो गया। ये घर के किचन की दीवार है। तो घर की किचन की दीवार वगैरह बनाने के बाद आप देख सकते हैं ये घर का किचन है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 फीट 6 इंच है। नेक्स्ट यदि हम लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल किचन की लेंथ है वो 9 फीट है। और ये किचन की इस तरफ की दीवार है, इसको भी हमने बना दिया। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो किचन है वो प्रॉपर दिखने लगा। नेक्स्ट यदि हम सामने की तरफ की बात करें तो ये घर की स्टेयर यानी कि सीढ़ी है। और यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 6 फीट 6 इंच है। और यदि हम लेंथ की बात करें तो चलिए हम आपको लेंथ दिखा देते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल लेंथ है आप देख सकते हैं कि 9 फीट 7 इंच है। तो इतने में आपकी जो स्टेयर है वो पर्याप्त रूप में बहुत अच्छे से बन जाएगी। नेक्स्ट यदि हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं कि पीछे की तरफ 2 बेडरूम दिए गए हैं और ये घर का बाथरूम है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी दीवार बना लेते हैं जिससे आपको ये प्रॉपर रूम दिखने लगे। तो ये हमारा पहला बेडरूम है। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो टोटल डिस्टेंस है वो 10 फीट है। यहाँ तक की जो टोटल लंबाई है आप देख सकते हैं कि 11 फीट है, यानी कि 10 फीट बाई 11 फीट का ये रूम है। रूम से सटा हुआ आप देख सकते हैं कि दोनों रूम के बीच में घर का बाथरूम दिया गया है। तो सबसे पहले हम घर के बाथरूम की वाल बना लेते हैं। तो ये घर के बाथरूम की वाल हमने क्रिएट कर दी। वाल क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस 7 फीट है। नेक्स्ट यदि हम इसके ब्रिथ यानी कि चौड़ाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि बाथरूम की जो टोटल चौड़ाई है वो 4 फीट 6 इंच है, जो कि बाथरूम के लिए एक पर्याप्त ब्रिथ यानी कि चौड़ाई मानी जाती है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि इसी बाथरूम से सटा हुआ घर का दूसरा बेडरूम है। और इसके यदि हम साइज़ की बात करें तो 11 फीट बाई 13 फीट है, यानी कि 11 फीट बाई 13 फीट का ये हमारा रूम है। तो चलिए इसको हम 3D में कन्वर्ट करके उसके बाद हम आपको पूरा का पूरा घर दिखाएंगे कि कैसा दिख रहा है। यदि आप इस तरीके की प्लानिंग करेंगे जो मैंने आपको यहाँ पर बताई तो बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।